हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी 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 फाइन। मैं हूं आपकी दोस्त मानसी पांडे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है, एक तालाब है, और यहां पे नवरात्रे के टाइम में, गणपति के टाइम में, यहां पे सब अपने घर की जो स्थापित मूर्तियां होती हैं वो लेके आते हैं और यहां पे विसर्जन होता है। अभी ये पूरा खाली खाली आपको दिख रहा होगा, लेकिन उस टाइम में ये खाली रहता नहीं है। यहाँ पे सब लोग अपनी मूर्तियों का विसर्जन करते हैं और ये जगह पूरी भरी हुई रहती है। छोटी सी बोट भी चलाते हैं यहाँ बीच में, और यहाँ से हम लोग ले जाके देते हैं मूर्तियों को, और वो ले जाके बीच में वहाँ पे विसर्जित करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा घूमते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे अभी आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिंगेश्वर तालाब। ये मुंबई का एक चारकोप करके जगह है, कांदिवली। काफ़ी अच्छा लग रहा है, चलते हैं हम आगे, थोड़ी सैर करते हैं। अरे पता है कौन दिख गया? आओ एक जन को दिखाती हूँ। आप यहाँ कहाँ? दिखाओ दिखाओ इनको। अरे वाह, आप यहाँ कहाँ विराजमान हैं? अरे बहुत दिनों के बाद, एक्चुअली ये तालाब है, मैं आता रहता हूँ यहाँ पे। वैसे मैं एक मिनट, मैं अपने चैनल के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो ये जो है इनका नाम है हरदेव सिंह, और इनको मैं भैया बोलती हूँ। और ये जो जगह है ये भी मेरे घर के पास है, और ये मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो अक्सर मतलब ये एक तरीके से मेरी फैमिली मेम्बर हैं। वैसे तो ये बाय प्रोफेशन राइटर हैं, और बहुत इन्होंने काम किया है, बहुत इनके मतलब एक्सपीरियंस से पूरा जो लिस्ट होती है वो भरे पड़े हैं, बहुत सारे। अगर मैं काउंटिंग करूंगी और मैं सबके नाम लूंगी तो वो कम पड़ जाएगा। तो बड़ा अच्छा लगा इनको देख के। अचानक आप यहाँ पे क्या कर रहे थे? मैं एक्चुअली ऐसे ही आया था घूमने के लिए। एक्चुअली मुझे घूमने के लिए आप तो बैठे हुए थे। एक्चुअली मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ किसी चैनल के लिए, तो बहुत कोशिश की, जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन तो अच्छी जगह है, नहीं होता तो मैं फिर नेचर में आके बैठता हूँ कहीं पे। देखिए ये भी नेचर में बैठते हैं, मतलब नेचर में ही आके इंसान का दिमाग चलता है, तो ये अच्छी बात है। और मैं भी आपके चैनल वालों को थोड़ा सा बता दूं, हाँ, कि मैंने और मानसी ने बहुत पहले एक सीरियल किया था नागमणि। आई वॉज राइटर इन दैट सीरियल। मानसी में लीड कर रही थी, एक हमारे और मित्र हैं पंकज शर्मा, वो मेल में मेन लीड कर रहे थे, तो एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। बहुत दिनों के बाद व्लॉग्स मैंने देखे आपके, एक्चुअली आप तो कमेंट भी करते हैं, आप तो कमेंट भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने नहीं, बहुत अच्छा लगा, बट रियली ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रहा। एक्चुअली क्या बीच में बहुत समय निकल गया, कोविड चल रहा था, कोई एक्टिविटीज हो नहीं पाई, शूट्स नहीं हो पाए। आपके भी जो फैंस हैं, जो जिन्होंने आपकी फिल्में देखी हैं, तो कहीं ना कहीं लोग मिस करते थे, तो ये बड़ा अच्छा कि आपने जो व्लॉग आपने बनाना शुरू किया है। एक तो क्या है कि पर्सनली जो मैंने देखा है, जब हम आपके व्लॉग देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद आपके साथ साथ उन स्थानों पर विजिट कर रहे हैं, हम खुद मज़ा ले रहे हैं उन चीज़ों का जो आप बना मतलब रहे हैं। मेरा ब्लॉग बनाना बहुत कारगर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं अपने व्यूज़ के माध्यम से, अपनी जो भी मैं शूट करती हूँ, जहाँ मैं जाती हूँ, अगर मैं ये किसी को फील करा पा रही हूँ कि उनको भी ये फील हो कि वो भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इवन मेरे कई दोस्तों ने भी कहा है, उन्होंने कहा यार मानसी डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा व्लॉग्स बना रही हैं वो। और कहीं ना कहीं क्या होता है कि आर्टिस्ट, अब क्या होता है कि
कोविड की वजह से बहुत एक गैप आ गया, तो लोग देखना चाहते हैं कहीं ना कहीं, हालांकि आपकी इतनी मूवीज हैं लोग देखते ही रहते हैं। मैंने भूमिपुत्र देखी काफ़ी दिन पहले, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। रवि किशन जी भी हमारे मित्र हैं, तो बड़ी काफ़ी सारी यादें उसे हुई, तो बड़ा अच्छा लगा। तो कहीं ना कहीं ये जो व्लॉग्स हैं आपकी, उस कमी को थोड़ा सा पूरा कर रहे हैं जो फिल्मों में, क्यों बाकी तो खैर अपनी इतनी सारी फिल्में लोग देखते हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि नई चीज़ें भी आएँ, हम उन्हें भी देखें। अब जैसे मेरे देखिए अभी हम फिल्मों की बात करेंगे हमारे प्रोफेशन की बात करेंगे तो बहुत बहुत लंबी बात हो जाएगी। चलिए आज तो अचानक आप मिल गए, लेकिन अच्छा लगा। और वैसे मैं बताना चाहूँगी कि भैया इनको बोलती हूँ, और इंडस्ट्री में मतलब मुझे लगता है कि जो इन्होंने नाम लिया सीरियल के, एक सीरियल के सेट पे हम लोग मिले थे, नागमणि सीरियल का नाम था, मैं उसमें मेन लीड कर रही थी, इच्छाधारी नागिन बनी थी और ये उसमें राइटर थे। तो रियल स्टोरी पे वो आधारित सीरियल था देवी कन्याकुमारी के ऊपर, मतलब बहुत बहुत एक्साइटिंग था, हाँ बहुत अच्छा था। वैसे हमारे इंसिडेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि अब हम दोनों का जो सफ़र है साथ है वो 11-12 साल पुराना है, तो हम आपको बहुत सारी अपनी बातें बताते रहेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करना है, आपको कमेंट में बोलना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हो भैया की भी सारी बातें जानने के लिए, सारी सारी उन्होंने क्या क्या काम किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं उनके इंडस्ट्री में, इवन अगर आप लोग चाहेंगे क्या क्या उन्होंने काम किया है, क्या क्या उनके एक्सपीरियंस रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कितने टाइम से हैं, तो अगर आप जानना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिएगा, तो मैं ज़रूर इनको रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी सारी बातें बताएंगे और ख़ुद बताएंगे, क्योंकि अगर शायद आपका फ़ोन आ रहा है तो अगर ये खुद बताएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे इतना लंबा जो इनका बायोडाटा है वो बताने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, और ये बताएंगे अपने अनुभव शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये हैं भैया हमारे, इनका नाम है हरदेव सिंह वंस अगेन, और ये आप लोगों को प्रणाम कर रहे हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली है, जो हमारा सफ़र चल रहा है, जो सिलसिला चल रहा है, उसमें एक ये भी कैंडिडेट इंक्लूड हो गए हैं, शामिल हो गए हैं, तो अच्छा लगेगा। और भैया हमेशा मैं इनको पकड़ पकड़ के ब्लॉग में लाती रहूंगी तो आप लोग बिल्कुल नहीं, प्लेयर मानसी, देखिए आप जैसे सेलिब्रिटीज, खैर हमारे पर्सनल रिलेशन अलग है, लेकिन जहाँ फिर हमारे प्रोफेशन की बात आती है तो आप सेलिब्रिटी हैं, साथ में हम भी मिलजुल के कुछ जी, आप भी राइटर हैं तो हम दोनों एक ही पार्ट हैं हमारी इंडस्ट्री का, तो डेफिनेटली हम बहुत सारे अपने अनुभव बताएंगे और भैया भी बताएंगे। तो जो भी बिगनर हैं या जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं और जिनको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए, तो भैया भी बहुत अच्छे अच्छे अपने अनुभव शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली उनको मदद मिलेगी, उनको हेल्प होगी। और कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी अगर आपको एक्टिंग रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ जाननी होगी या यहाँ के बारे में कि कैसे क्या करना है, तो आप लोग कमेंट में प्लीज़ लिखिएगा, तो मैं भी आंसर करूँगी और भैया को भी बोलूँगी, वो भी आंसर करेंगे, और काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और बस हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियो से या हमारी चीज़ों से या हमारे एक्सपीरियंस से अगर किसी को कुछ हेल्प आउट होता है तो डेफिनेटली क्यों नहीं, क्योंकि एक टाइम था जब मैं भी नई थी इस फिल्म इंडस्ट्री में और आई थी, तो मुझे भी कोई नहीं मिला यहाँ पे कि जो मुझे अच्छे से गाइड कर सके। तो अगर हम अपने अनुभव के द्वारा, भैया के अनुभव के द्वारा या मेरे अनुभव के द्वारा हम किसी को कुछ गाइडेंस दे सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राइट गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल होती है, और अगर राइट गाइडेंस मिलती है तो वो सबसे अच्छी बात होती है। तो एनीवे हम लोग फिल्मी बातें अब यहीं पे ख़त्म करके और हम थोड़ा सा जहाँ पे मैं आई हूँ, जो मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, जो मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ है, हम उसको ज़रा इंजॉय करें उसको हम देखें, उसका हम आनंद उठाएं। तो फिर चलते हैं, अच्छे से यहाँ पे घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, तो आप भी चलिए हमारे साथ आइए।